तो जब मुद्राएं की प्रचलन नहीं थी तो फिर हम सर्वाइव कैसे कर रहे थे, कि पैसे के बिना कैसे लाइफ चलती है, वही ये लोग कर रहे थे। विलेज में रह रहे हो, एक ऐसे विलेज में जहाँ पैसे की कोई चल नहीं है, चावल दाल सब्जियाँ किसे दे रहे हैं, ये सारे कामिन को। बटर मतलब क्या है दोस्तों? गुड और सर्विस की एक्सचेंज। हाय दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। मैं आपकी दोस्त पिंकी रजक एंड आप सभी को और एक बार फिर से मेरी चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। आज मैं आप लोगों को और एक नई टॉपिक पढ़ाऊंगी, जो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फिर तैयार हो जाइए पढ़ाई सुनने के लिए। ओके, आज मैं पढ़ाऊंगी जज मनी सिस्टम, जिसे दोस्तों हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं, क्या? बार्टर सिस्टम। ये बहुत कोई को पता नहीं है तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बड़ी जजमनी नहीं आकर बटर भी आती है। ओके, तो हम जजमनी सिस्टम को ही बटर सिस्टम बुलाते हैं। तो दोस्तों ये जजमनी सिस्टम की शुरुआत किस टाइम हुई थी, या क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी थी, या ये फिर क्या है, तो चलिए एक एक करके आप लोगों को समझाती हूँ। दोस्तों जजमनी सिस्टम जब स्टार्ट हुई थी तब हम लोग विलेज में रहते थे, टाउन या अर्बन लाइफ ऐसा कुछ नहीं था। और जब ये स्टार्ट हुई थी तब पैसे, मतलब जिसे हम मनी या मुद्राएं बोलते हैं, उसकी भी प्रचलन नहीं थी दोस्तों। तो जब मुद्राएं की प्रचलन नहीं थी तो फिर हम सर्वाइव कैसे कर रहे थे? अब सभी को पता है कि आज की डेट में हम जो भी खरीदते हैं हमें मनी के हिसाब से ही वो मिलती है। मनी अगर नहीं रहेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सोचिए उस टाइम मनी नहीं था तो लोग फिर कैसे सर्वाइव कर रहे थे? कैसे? जजमानी सिस्टम के वजह से। अब ये सिस्टम कैसे चल रहा है दोस्तों विदाउट मनी, तो चलिए बताती हूँ। दोस्तों जजमानी सिस्टम में दो किरदार थे या दो किरदार होते थे। पहला देखिए जजमान, ये है फर्स्ट किरदार। ओके, और दूसरा है कामिन। ये दो किरदार मिलके ही विदाउट मनी के बाद भी ये दो किरदार क्या कर रहे थे? लाइफ सर्वाइव कर रहे थे, हाँ, या लाइफ को चला रहे थे, कि पैसे के बिना कैसे लाइफ चलती है, वही ये लोग कर रहे थे। दोस्तों जजमान कौन होते हैं? तो जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, जो बहुत सारी ज़मीन के मालिक होते थे, हम उसे ही जजमान बोलते थे या वही जजमान के रूप में परिचित थे। और कामिन कौन है दोस्तों? तो कामिन था जजमान के अलावा और जो सारे लोग हैं उन्हें हम कामिन बोलते थे। कैसे? मतलब कि आप एक विलेज में रह रहे हो, बहुत ही सिंपल तरीके से समझो कि आप एक विलेज में रह रहे हो, एक ऐसे विलेज में जहाँ पैसे की कोई चल नहीं है, मतलब आपको कुछ लेना है, खरीदना है, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, कुछ के लिए भी पैसे की कोई प्रचलन या चलन नहीं है। आप जिस विलेज में रह रहे हो तो आप बहुत सारे लोगों के साथ रह रहे हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप उस विलेज में रह रहे हो, लेकिन पैसा नहीं है, तो फिर कैसे सर्वाइव करोगे? तो दोस्तों एक्सचेंज के थ्रू आप अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हो। कैसा एक्सचेंज? क्या चीज़ का एक्सचेंज और किसके साथ एक्सचेंज? तो दोस्तों गुड्स की एक्सचेंज। गुड क्या? क्या कहा? जजमान। कौन थे? जमींदार, जमीन के मालिक। तो दोस्तों जमींदार के ज़मीन में जो गेहूँ, चावल या सब्जियाँ उगती थी या जिसकी प्रोडक्शन होती थी, वो प्रोडक्शन जमींदार क्या करते थे? जो मैंने कहा कौन? कामिन, जो कि जमींदार के अलावा बाकी उस विलेज के लोग थे और भी लोग थे, उनको दिया करते थे। एक्सचेंज कहा तो मतलब जमींदार सिर्फ गुड दे ही नहीं रहे हैं कामिन को, कामिन से कुछ ले भी रहे हैं। कामिन कौन कौन है ये पहले क्लियर कर दो, फिर आती हूँ इस पे। दोस्तों कामिन वो लोग हैं जो कोई लोहार का काम करता है या फिर कोई मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, हाँ, या फिर जो कपड़े धोते हैं या फिर जो बाल काटते हैं, ये सारे लोग कामिन के अंडर आ जाते हैं। अब मैं आती हूँ क्या कहा कि एक्सचेंज। तो क्या कहा मैंने कि जमींदार क्या दे रहे हैं? गुड्स दे रहे हैं।
चावल, दाल, सब्जियाँ किसे दे रहे हैं? ये सारे कामिन को। तो एक्सचेंज जब बोल रही हूँ मतलब कामिन से भी कुछ ले रहे हैं, तो कामिन से क्या ले रहे हैं? सेवाएं। किस टाइप का? जमींदार अगर कामिन को चावल, दाल, सब्जी ये सारी चीज़ें दे रही है, तो बदले में कामिन से क्या कर रहे हैं? बाल कटवा ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जूता सिलाई कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कपड़े धुला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिट्टी के बर्तन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोहा का जो सारी सामान बनते हैं वो सारी चीज़ ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ गुड्स एंड सर्विस या थिंग्स की एक्सचेंज हो रही है दोस्तों, हो रही है ना, इसीलिए मैंने कहा एक्सचेंज। तो पैसे नहीं है लेकिन फिर भी लाइफ सर्वाइव हो रही है। कैसे हो रही है? गुड्स और सर्विस या थिंग्स के एक्सचेंज के थ्रू। जमींदार से ये कामिन क्या ले रहे हैं? खाने पीने के चीज़ें, और बदले में जमींदार को क्या दे रहे हैं? बाकी की चीज़ें, कपड़े सिल के दे रहे हैं, कपड़े धो के दे रहे हैं, जूते बना के दे रहे हैं, बाल काट कर दे रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बना कर दे रहे हैं। समझ में आया? इस तरह एक्सचेंज प्रोग्राम चल रही थी उनके बीच, और इसी तरह वो लोग लाइफ सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन सिर्फ यहाँ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जमींदार से सामान ले रहे हैं या जमींदार को हम सिर्फ सेवाएं दे रहे हैं। कामिन जो थे अपने बीच भी वो लोग सेवाएं एक्सचेंज करते थे या सामान एक्सचेंज करते थे दोस्तों। किस तरह? मैं बाल काटता हूँ तो मैंने आपका बाल काट दिया। किसका? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो मैंने जो मिट्टी का बर्तन बनाता है मैंने उससे बर्तन ले लिए। या फिर मैं जूता सिलता हूँ तो मैंने जूता सिल दिया। किसका जूता सिल दिया? जो कपड़े सिलते हैं, तो मैंने उससे कपड़े ले लिए। तो देखिए कामिन के बीच भी गुड्स और सर्विस या थिंग्स की एक्सचेंज हो रही है दोस्तों, हो रही है ना। तो इसी तरह ये एक्सचेंज चलती रहती थी किसके थ्रू? जजमान और कामिन के बीच, कामिन और कामिन के बीच। समझ में आया? इसी तरह एक्सचेंज के माध्यम से वो लोग लाइफ सर्वाइव कर रहे थे या लाइफ को चला रहे थे, जब पैसे नहीं था, जब पैसे की कोई प्रचलन ही नहीं थी। इस तरह हमारी लाइफ चलती थी दोस्तों। यही चलने को हम क्या बोल रहे हैं? जजमानी सिस्टम। समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? यही हम लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, यही सर्वाइवल को हम बोल रहे हैं जजमानी सिस्टम, जो कि बटर सिस्टम से भी परिचित है। बटर मतलब क्या है दोस्तों? गुड और सर्विस की एक्सचेंज। जब दो लोगों के बीच या दो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच जब गुड या सर्विस की एक्सचेंज होती है या गुड या थिंग्स की एक्सचेंज होती है, तो हम उसे बोलते हैं कि ये बटर सिस्टम चल रही है, जिसे और एक नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा? जजमानी सिस्टम। क्यों बोलते हैं जजमानी सिस्टम? क्योंकि इसमें जजमान और कामिन दोनों ही इन्वॉल्व है, इसीलिए हम इसे जजमानी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप जजमानी सिस्टम या फिर बटर सिस्टम क्या है, या फिर जजमान कौन है या कामिन कौन है, और इनके बीच क्या एक्सचेंज होती है, आपको समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में आ गई है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और एक बार बोल रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों।